आप रेस ट्रैक पर कुछ समय बिताने की शुरुआत कर रहे हैं तो टीवीएस अपाचे 310 को विकल्प में कुछ पुर्जे दिए गए हैं जिसे और भी जोरदार बनाते हैं, और बाइक के साथ मिले ताज़ा किट में पूरी तरह एडजस्ट होने वाले सस्पेंशन आते हैं जो अपाचे 310 को ये किट पाने वाली सबसे किफ़ायती बाइक बनाते हैं। टीवीएस मोटर कंपनी की सबसे टॉप स्पेक मॉडल है टीवीएस अपाचे 310, और ये अब एक नया अपडेट के साथ आया है। अपडेट ही बोलूँगा क्योंकि 2020 के शुरू में काफ़ी अपडेट्स आए थे इसमें, राइड बाय वायर थ्रॉटल, डिफरेंट राइडिंग मोड्स, फुल कलर TFT स्क्रीन, ये सब तो अपडेट्स आए ही थे। काफ़ी पहले से अच्छा भी हुआ था बाइक्स, मिशलिन रोड 5 टायर्स भी आए थे। अब टीवीएस का कहना यह है कि कस्टमर्स को और कुछ चाहिए, और परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा हो, हैंडलिंग थोड़ा अच्छा हो, सो टीवीएस ने निकाला है बिल्ट टू ऑर्डर। आप नई RR310 ऑर्डर पे अपने हिसाब से, अपने पसंद के ग्राफिक्स, अपने पसंद के सस्पेंशन, सब कुछ फैक्ट्री से कस्टमाइज करके ऑर्डर कर सकते हैं। खास बात यह है कि आप इसमें फुल्ली एडजस्टेबल फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन मिलती है आपको, और एग्जॉस्ट का साउंड थोड़ा पहले से थोड़ा मीटियर है, बेसियर है, और इसमें ब्रास कोटेड एक चेन दिया गया है जो TVS कहता है कि इट लास्ट लॉन्गर, एंटी रस्ट कोटेड चेन है। लेकिन ये एडजस्टेबल सस्पेंड कैसा परफॉर्मेंस करेगा, हम आए हैं मद्रास मोटर रेस ट्रैक पे ही देखेंगे इसका परफॉर्मेंस कैसा है, और आपको बताएंगे कि आपको किट लेनी चाहिए या नहीं। बिल्ट टू ऑर्डर TVS अपाचे 310 निश्चित रूप से बिल्कुल अलग दिखती है। दिखाई देने वाले बदलावों में रेस बाइक वाले ग्राफिक्स, ब्रास कोट वाली ड्राइव चेन के साथ एंटी रस्ट ट्रीटमेंट, और पास से देखने पर ट्रिपल क्लैंप नजर आते हैं। लेकिन यहां कुछ बारीक बदलाव भी देखने को मिलते हैं। पूरी तरह कलर्ड 5.5 इंच TFT इंस्ट्रूमेंट पैनल पिछले साल पेश किया गया था, जिसे अब अपडेट किया गया है, जिसमें अब डॉक्यूमेंट स्टोर करने के साथ इन्हें पढ़ा भी जा सकता है, जैसे कि RC, बीमे के पेपर्स और ड्राइविंग लाइसेंस। अपाचे 310 अब भी इकलौते वेरिएंट में आई है, लेकिन इसे नए बिल्ट टू ऑर्डर प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। यहाँ बहुत सारे कस्टम विकल्प मौजूद हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात है बाइक के साथ मिले परफॉर्मेंस किट। बिल्ट टू ऑर्डर प्लेटफॉर्म के साथ आप बाइक के रंग को नहीं बदल सकते, लेकिन यहाँ चुनने के लिए आपके पास दो रोड लीगल परफॉर्मेंस किट, डायनामिक और रेस होंगे। इसमें पूरी तरह एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलते हैं जो इस श्रेणी या सेगमेंट के किसी दूसरी मोटरसाइकिल को नहीं मिले हैं। तो आप अपनी बाइक के सस्पेंशन को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं, चाहे शहरी रास्तों के हिसाब से हो या हाईवे, या फिर कभी कभार ट्रैक पर चलाने के लिए। इस रेस किट में नया हैंडल बार भी मिलता है जो नीचा है, और यहाँ रेस किट फुटपैग्स भी मिलते हैं जिन्हें ज़्यादा क्लियरेंस और मोड़ पर बेहतर एंगल के हिसाब से अधिक ऊंचाई पर लगाया गया है। कुल मिलाकर बाइक में जो पहले जैसा बना हुआ है वो है इसकी रूपरेखा और डिज़ाइन। डुअल LED हेडलाइट और LED टेल लाइट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा रिवर्स इंक्लाइन सिंगल सिलेंडर इंजन भी पहले जैसा ही बना हुआ है। बदलावों की बात करें तो यहाँ पर दमदार आवाज़ और मोड़ पर ज़्यादा क्लियरेंस देने के लिए एग्जॉस्ट को बदला गया है। हमारे ट्रैक सेशन की शुरुआत सस्पेंशन पर स्टॉक सेटिंग से हुई, जिसे ट्रैक पर इस्तेमाल करने के हिसाब से एडजस्ट किया गया। इसमें बदलाव तुरंत समझ में आता है, और RR ज्यादा भरोसेमंद और सामान्य से बेहतर हो जाती है। यहाँ एक और अच्छी बात है जो दमदार पकड़ वाले मिशलिन रोड 5 टायर्स हैं, जिनमें कंपनी ने कोई बदलाव नहीं किया है। साफ है कि TVS अपाचे 310 अब सबसे अच्छी एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक्स में शामिल हो गई है, जिसे रेस ट्रैक पर चलाना काफी मजेदार है। आज हम जो चला रहे हैं नई RR310 ऑप्शनल रेस किट के साथ, उसमें आपको मिलता है फ्रंट एंड रियर एडजस्टेबल सस्पेंशन, नया फुटपैक्स जो कि थोड़ा ऊपर है, ऊंचा है, आप ट्रैक में चला रहे हो तो कॉर्नरिंग क्लियरेंस ज़्यादा मिलती है, इसमें ब्रास कोटेड एंटी रस्ट चेन है जो ज़्यादा चलेगी। मेरे लिए खास तौर पे ये सस्पेंशन जो है, आप इसको स्टिफ कर सकते हो अगर ट्रैक पे चलाने हैं, अगर आपको डेली कम्यूट करना है इसको सॉफ्ट कर सकते हो, आपके वजन के हिसाब से यू कैन कस्टमाइज इट टू योर लाइकिंग। घर पे ही कर सकते हो आप, थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर यूज़ करके आप
ट्वीक करके कर सकते हैं सस्पेंशन एडजस्टेबल। और अगर आपको ट्रैक राइडिंग शुरू करना है, स्पोर्ट राइडिंग शुरू करना है, अपाचे आरआर 310 मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार बाइक है। इट्स अ स्टेपिंग स्टोन इन टू द वर्ल्ड ऑफ सुपर स्पोर्ट राइडिंग। वेरी गुड पैकेज, इट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस, लीनिंग, कॉर्नरिंग, इनफ पावर, आपको डराएगी नहीं, फिर भी आपको बहुत मज़ा आएगा। वेरी गुड पैकेज इंडीड। 2021 टीवीएस अपाचे आरआर 310 महंगी हो गई है, और अगर आप इसके साथ एडजस्ट होने वाले सस्पेंशन चाहते हैं तो आपको कम से कम डायनामिक किट का चुनाव करना होगा। इसके अलावा बाइक के साथ रेस हैंडल बार, बेहतर जगह पर लगे फुटरेस्ट और बेहतर ग्रिप वाले फुट पेग्स चाहते हैं तो आपको रेस किट चुनना पड़ेगा। लेकिन यह अच्छी बात यह है कि ये किट किसी भी अपाचे आरआर 310 के साथ अलग से लगवाए जा सकते हैं। इसके अलावा इंजन मैप्स और इलेक्ट्रॉनिक अपडेट्स भी बाइक को मिल सकते हैं, जिन्हें पिछले साल पेश किया गया था। बिल्ड टू ऑर्डर विकल्प के साथ अपाचे आरआर 310 वाकई में एक शानदार एंट्री लेवल स्पोर्ट बाइक बनती है, जिसे 3 लाख रुपए से कम कीमत पर खरीदा जा सकता है। सेगमेंट की किसी और बाइक में इतने सारे फीचर्स और इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं मिला है, और यही वजह है कि नई आरआर 310 पहले के मुकाबले अपने सबसे अच्छे अवतार में आई है।